हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट इफेक्ट्स बाय गोपीजा। आज मैंने यहाँ चार छोटे छोटे वाजेज़ बनाए हैं, जिसमें से दो ग्लास बॉटल के हैं और दो टेराकोटा के वाजे। तो इसे टेक्सचर देने के लिए मैंने एक्रेलिक वॉल पुट्टी और रिवर सैंड का यूज़ किया है। 3-4 चम्मच अगर आप वॉल पुट्टी लेते हैं तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच उसमें रिवर सैंड मिक्स किया है। तो दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और दो वेज में मैंने सिरेमिक क्ले यानी कि टेराकोटा क्ले का भी इस्तेमाल किया है टेक्सचर देने के लिए। तो शुरू करते हैं किस तरह से बनाना है। तो इस वाज में मैंने जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी का टेक्सचर पेस्ट बनाया है वो एकदम थिक क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे रखा है। और पूरे वाज को पहले तो कवर कर देना है टेक्सचर पेस्ट से और बाद में फिंगर से ही उस पर डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो इस तरह से फिंगर से आप 3 हाफ सर्कल एक के बाद एक बनाएं और जो भी टेक्सचर उंगली पे चिपके उसे आप रिमूव कर दीजिए। और इस तरह से उसके ऊपर और 3 हाफ सर्कल, इसके ऊपर और 3 हाफ सर्कल, इस तरह से पूरे वास पे आप ये डिज़ाइन सेम रिपीट कर दीजिए। इसे कंप्लीट ड्राई करने के लिए 2-3 घंटे तक आप रख दीजिए। अब नेक्स्ट वाज में मैंने जो उसका नेक का पोर्शन है वाज का, वहाँ पे सिरेमिक क्ले से मैंने टेक्सचर दिया है। तो पहले तो एक थोड़ा सा क्ले लेके इस तरह से आप रोल कर दीजिए नेक के ऊपर, फिर फेविकॉल लगा दीजिए और वो जो रोल किया हुआ जो है सिरेमिक क्ले उसे आप इस तरह से रख के उसे अच्छी तरह से उंगली से प्रेस कर दीजिए और थोड़ा स्मूथ बना दीजिए। क्ले का जो पोर्शन है उसे लेवल में लाने के लिए इस तरह से नाइफ से कट कर लीजिए और ऊपर की तरफ भी अच्छे से क्ले से कवर कर दीजिए। अब ऐसा कोई भी टूल जिसमें नीचे ऐसा राउंड का उसका पोर्शन है वो लेके आप थोड़ा उसे प्रेस कर दिए क्ले पे, तो इससे एक होल जैसा बनेगा, थोड़ा गड्ढा जैसा। तो यही पैटर्न मुझे चाहिए। पूरे एरिया को मैंने इस तरह से कवर कर दिया है। बाकी का जो पोर्शन है उसमें मैंने सेम पेस्ट का इस्तेमाल किया है और पूरे वास को इस तरह से कवर कर दिया है सेम यही पेस्ट से। इसे जितना हो सके आप स्मूथ कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मुझे पैटर्न क्रिएट करना है। और इसके लिए मैंने एक नीडल जैसा शार्प टूल लिया है और स्वर्ल्स बनाए हैं। तो पहले तो पूरे सरफेस को अच्छे जितना हो सके आप स्मूथ कर दीजिए, बाद में इस तरह से स्वर्ल्स बनाने हैं छोटे छोटे, थोड़ी थोड़ी जगह रख के बना दीजिए। क्योंकि ये पेस्ट काफ़ी स्मूथ है तो एक ही स्वर्ल को आपको 2-3 बार करना पड़ेगा और नीडल पे जो भी पेस्ट चिपके उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी इसका अच्छे से शेप आएगा। इसे कंप्लीट ड्राई होने में 2-3 घंटे लगेंगे। तो नेक्स्ट बार शुरू करते हैं। ये एक प्लेन ग्लास का बना हुआ वाज है
और इसे मैंने कोई टेक्सचर पेस्ट नहीं लगाया है, सिर्फ पेंट किया है। यहाँ सब चॉक कलर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसका ये रीज़न है कि चॉक कलर बहुत ही मैट इफ़ेक्ट देता है और ये वास के लिए मुझे मैट इफ़ेक्ट ही चाहिए। तो चॉक कलर्स आसानी से मार्केट में मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो घर आप एक्रेलिक कलर से घर पे भी ही बना सकते हो। आपके पास अगर POP पाउडर है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो 2 चम्मच पाउडर में आप थोड़ा लुक वार्म वाटर मिक्स कर दीजिए और उसमें 4 या 5 चम्मच एक्रेलिक पेंट मिक्स कर दीजिए, तो आप आसानी से घर पे ही चॉक कलर बन जाएगा। तो यहाँ मैंने वाइट कलर का 3 से 4 कोट करके उसे कम्प्लीटली ड्राई कर दिया है। बाद में उसके ऊपर मैंने एक्रेलिक का क्रैकलिंग मीडियम आता है तो पूरा वाज मैंने इससे कवर कर दिया है। जब ये ड्राई हो जाता है तो उसके ऊपर मैं कलर करूँगी, जो जिससे क्रैकलिंग इफ़ेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगी। तो जो मुझे चाहिए अपने वाज के लिए, तो उसे ड्राई कम्प्लीट ड्राई करने के लिए मैंने साइड पे रखा है। और ये 4th पॉट है जो ग्लास से बना हुआ है और इसके लिए मुझे हैंडल चाहिए। तो एक हैंडल का शेप मैंने सिरेमिक क्ले से दिया है, थोड़ा स्क्वायरिश शेप है, लंबा है और इसे अच्छी तरह से सूखने में, कम्प्लीटली ड्राई होने में थोड़ी देर लगती है। तो जब तक ये ड्राई ना हो जाए उसे मुझे ऐसे पकड़ के बनाए रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप शेप देते जाए और थोड़ा ड्राई, हाफ ड्राई जैसा हो जाए तो बाद में इसे ड्राई कंप्लीट ड्राई करने के लिए आप रख सकते हो। अब यहाँ पे एक्रेलिक क्रैकलिंग मीडियम है, वो कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, तो इसे पेंट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने चॉक कलर्स का इस्तेमाल किया है, मैंने रेडीमेड चॉक कलर्स जो आते हैं वही इस्तेमाल किया है। लाइट ग्रे है, चॉकलेटी ट्रफल है और एक थोड़ा डार्क ब्राउन है। तो ये तीनों कलर का मैंने यहाँ पे शेडिंग किया है। चॉक कलर्स एकदम फास्ट ड्राई होते हैं तो, और क्रैकलिंग मीडियम जो हमने लगाया उसकी वजह से क्रैकल भी एकदम फास्ट क्रिएट होती है। तो जितना हो सके आप जल्दी से इसे पेंट कर दीजिए। क्रैकलिंग इफेक्ट के लिए सबसे अच्छी पैटर्न है लेयर्स। तो आप सिर्फ कलर्स के लेयर्स एक के बाद एक लगा लीजिए और जो क्रैकल्स क्रिएट होगी वही उसकी ब्यूटी है। तो कोई पर्टिकुलर फ्लोरल पैटर्न या ऐसा कुछ मत पेंट कीजिए, सिर्फ लेयर्स पे ही आप काम कीजिए। हैंडल जब ड्राई हो जाए तो पूरे वास को सेम स्ट्रक्चर पेज से आप कवर कर दीजिए और हैंडल पे भी आप लगा दीजिए। थोड़ा अगर वो सूखा नहीं है तो भी चलेगा, बाद में साथ में ही सूख ये ड्राई कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा और एकदम हार्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है सैंड पेपर लेके जो स्ट्रक्चर पेज का अपर सरफेस है जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स है तो उससे स्क्रैप ऑफ करना है और थोड़ा सरफेस स्मूथ कर देना है। अब जिन 3 वाजेस पे मैंने टेक्सचर पेस्ट लगा है तो उसे मैंने स्ट्रक्चर वाइज से पेंट कर लिया है। अब ये कलर करने के लिए रेडी है तो इसे ड्राई होने दीजिए 1/2 घंटा तक। जिस वास को मैंने पेंट किया था वहाँ का जो भी वाइट एरिया है जहाँ पे वाइट चॉक पेंट लगा है उसे भी मुझे क्रैकल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्रैकल पेस्ट का इस्तेमाल किया है। जो मैंने पेंट के नीचे लगा था वो क्रैकलिंग मीडियम था, एक्रेलिक मीडियम था, वो अलग आता है और ये क्रैकल पेस्ट अलग आता है। क्रैकलिंग मीडियम से हम कलर को क्रैक कर सकते हैं और क्रैकल पेस्ट इटसेल्फ क्रैक होता है और टेक्सचर इफेक्ट देता है। तो वाइट पेंट जहाँ भी किया है मैंने वहाँ पे क्रैकल पेस्ट को अप्लाई किया है, थोड़ा थीक लगाना है
तो आफ्टर ड्राइंग इट विल क्रैक एंड इट विल लुक एग्जैक्टली द सेम विच द पेंट इज पेंट हैज द टेक्सचर. फर्स्ट कुवास को मैंने स्प्रे पेंट कर दिया है कॉपर कलर से. तो ये जब ड्राई हो जाएगा तब उस पर सेकेंड और थर्ड लेयर लगाएंगे अलग अलग कलर के और इसे डेप्थ देने की कोशिश करूँगी. नेक्स्ट वाज में मैंने ब्लू कलर्स के शेड इस्तेमाल किए हैं, अल्ट्रामरीन ब्लू और एक्वा ग्रीन लिया है. तो जो अपर पोर्शन मैंने सिरेमिक क्ले से बनाया है जहाँ पर मैंने टेक्स्चर दिया है प्लास्टिक टूल से, तो वो मैं फर्स्ट तो दोनों कलर के शेड लगाऊंगी और उसे पूरा ब्लू कलर से कवर कर दूंगी और बाद में गीला कपड़ा लेके ऊपर से मैं उसे वाइप ऑफ करूंगी. तो जो अपर पोर्शन है सरफेस का तो वहाँ से कलर वाइप ऑफ हो जाएंगे. तो जो गड्ढे हैं इसमें तो वहाँ पे ब्लू कलर रह जाएगा और उसकी ऊपर की सरफेस पे कलर निकल जाएगा. तो इस तरह से टू टोन के इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगी. तो सेम प्रोसीजर दो बार करना है पहले, लेकिन इससे पहले मैंने नीचे के जो भी स्वॉल्स बनाए हैं उसे मैंने एक्वा ग्रीन से सेम टेक्निक से पेंट किए और फिर वाइप ऑफ कर दिया है. तो जो भी ग्रूव्स होते हैं, जो भी हमारे टेक्सचर या डिज़ाइन की ग्रूव्स होते हैं तो वहाँ पर कलर रह जाएगा और ऊपर से कलर निकल जाएगा. थर्ड वाज को मैंने चॉक कलर से पहले पूरा पेंट कर दिया है. वाइट चॉक कलर का इस्तेमाल किया है जिसमें मैंने थोड़ा बेकिंग सोडा भी ऐड किया है और इससे पूरे पॉट को मैंने कलर कर दिया है. इसे कम्प्लीटली ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है. अब ये जो ब्लू पॉट है वहाँ पे जो भी जगह पे मैं टेक्स्चर या स्वॉल्स नहीं है तो वहाँ पर वाइट कलर मुझे चाहिए. सेम चॉक कलर वाइट चॉक कलर का इस्तेमाल करके मैंने पूरी सरफेस को पेंट कर दिया है. अब कॉपर कलर बिल्कुल ड्राई हो गया है तो यहाँ पे मैंने बेज कलर लिया है और थोड़ा उसे लाइटर शेड करने के लिए इसमें वाइट चॉक कलर का भी कलर को ऐड किया है और दोनों चॉक कलर्स ही है और इस तरह से इसे ड्राई ब्रश से लगाना शुरू किया है. तो जो भी ऊपर की सरफेस है वहाँ पे इस तरह से लगाएंगे तो पूरी जो डिज़ाइन हमने क्रिएट की है टेक्स्चर की वो उभर के बाहर आएगी. बाद में इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर किया है, थोड़ी और डेप्थ मिलेगी टेक्स्चर को. और फाइनल कोट वापस मैंने वाइट कलर का किया है, लेकिन ये दोनों कोट जब ये सेकेंड कोट कम्प्लीटली ड्राई हो जाए बेज कलर का बाद में मैं करूँगी. ब्लू पॉट में मैंने एक कोट गोल्डन मेटेलिक गोल्ड का भी लगाया है फिर से, तो इससे थोड़ा वाइट को डलनेस मिलेगी और उसके ऊपर फिर से मैं एक बार वाइट कलर करूँगी तो थोड़ा जो मुझे डल शेड चाहिए और जो थोड़ी टेक्सचर की इफ़ेक्ट गोल्ड की चाहिए वो मिलेगी. अब ये कॉपर कलर का जो वाज है वो भी कम्प्लीटली सेकेंड कोट यहाँ ड्राई हो गया है.
और यहाँ पर भी मैंने मेटेलिक गोल्ड का एक थर्ड कोट लगाया है, तो ये करना मुझे अच्छा लगता है। इससे काफ़ी टेक्सचर को एक डायमेंशन मिलते हैं। एक के बाद एक कोट करते हैं और वापस उसको कवर करते हैं, तो ये प्रोसेस वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन इससे टेक्सचर जो है वो थ्री डायमेंशनल दिखता है, उसको डेप्थ मिलती है। अब जो हैंडल वाला वाज था उसको मैंने जो हमारी गार्डन की मिट्टी होती है उससे रब किया है, तो एक बार करने के बाद इसे मैंने वार्निश से एक कोट उस पर किया। वो वार्निश का कोट कंप्लीट हो ड्राई हो जाने के बाद इस तरह से मैंने दूसरी बार इसे वॉश किया, और जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है इस तरह से स्पॉन्ज से आप निकाल सकते हो। और पूरे वाज को मैंने एकदम एजेड लुक दिया है। तो आपने अगर मेरा एक अगला वीडियो भी अगर देखा होगा जहाँ पे मैंने एजेड वाज बनाया था, तो उसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स के इस्तेमाल से उसे इस तरह का डर्ट वाला लुक दिया था, लेकिन इसमें मैंने सचमुच का डर्ट इस्तेमाल किया है, वाज को मैंने एजेड लुक दिया है। अब बारी है हर एक वाज को फिनिशिंग लास्ट फाइनल कोट देने का। तो मैंने एक्रेलिक चॉक कलर लिया है वाइट कलर का, और जो भी मार्क्स जो हमने लास्ट कोट लगाया था इसके ऊपर ही मैंने वाइट कलर से पेंट करना शुरू किया है और इसको सप्रेस कर दिया है। तो ब्लू कलर का जो वाज था वो पूरा वाइट कलर से कवर हो गया है, और इसमें जो गोल्डन कलर की टचिंग की थी उसकी सिर्फ थोड़ी सी झलक दिखने को मिल रही है। अब ये जो वाज है सेम उसी पे भी और नीचे के कलर्स दिखते हुए मैंने फाइनल कोट वाइट कलर से ही किया है। तो हर एक जो वाज है सब में मैंने वाइट कलर का फिनिशिंग लुक दिया है। यहाँ पे क्रैकल पेस्ट भी अब ड्राई हो गई है और क्रैक्स अब दिख रहे हैं किस तरह से क्रिएट हुई है। तो सब वाजेज अब रेडी है, तो हम फाइनल कोट करेंगे वार्निश से या फिर क्लियर मैट पेंट अगर आपके पास है तो उसके दो कोट कर लीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।